नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्म पानी से नहाने के नुकसान के बारे में। दोस्तों, सर्दियां आ गई हैं, ज़्यादातर लोग सर्दियों में गर्म पानी से नहाना पसंद करते हैं। सभी वस्तुओं के फायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। गर्म पानी से नहाने के फायदे भी हैं तो इसके साथ में नुकसान भी बहुत होते हैं। आज हम आपको गर्म पानी से नहाने से होने वाले नुकसान के बारे में बताएंगे। झुर्रियों का होना। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से समय से पहले जवान चेहरे पर झुर्रियाँ आने से समय से पहला आदमी बूढ़ा लगने लग जाता है। खुजली। ज़्यादा गर्म पानी नहाने से त्वचा रूखी सी हो जाती है और उस रूखेपन से खुजली होना स्वाभाविक बात है। तीसरा है बालों का अधिक झड़ना। ज़्यादा गर्म पानी नहाने से बाल जल्दी जल्दी झड़ने शुरू हो जाते हैं और साथ में डैंड्रफ भी ज़्यादा होता है। आँखें लाल हो जाना। गर्म पानी से नहाने से लाल आंखें हो जाती हैं, जिससे सामने वाले इंसान को लगता है कि ये नशे में धुत है। आंखें लाल हो जाने से आंखों में खिंचाव सा होने लगता है, जिससे आंखों में दर्द होने लगता है। स्किन एलर्जी। त्वचा का रूखापन ज़्यादा ही गर्म पानी नहाने से हो जाता है, जिससे रैशेस और खुजली पैदा होती है। इसके कारण स्किन एलर्जी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दिल का दौरा। ज़्यादा गर्म पानी नहाने से दिल के दौरे पड़ने की भी संभावना अधिक होती है। जापान में इस बात का एक पर अध्ययन किया गया था। भोजन पचता नहीं है। जब भी हम खाना खाते हैं तो पेट को उसे पचाने के लिए समय चाहिए। अगर वो समय किसी कारणवश भूलवश नहीं मिल पाता तो खाना नहीं पचता। यदि हम भोजन करने के बाद गर्म पानी से नहा लेते हैं तो खाने को पचने में बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। नाखून खराब हो जाना। ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से नाखून खराब हो जाते हैं, उनकी चमक खराब हो जाती है और नाखूनों में इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। कफ दोष बढ़ जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में तीन तरह के दोष पाए जाते हैं, वात, पित्त और कफ। सिर और आंखें कफ दोष की श्रेणी में आते हैं। गर्म पानी सिर पर डालने से कफ बढ़ता ही चला जाता है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।